हे गाइस, आजकल हर दिन कोई ना कोई खुलासा हो रहा है ड्रग कार्टेल के किंगपिन्स एंड किंगपिन्स के क्लाइंट्स को लेकर। हाल ही में दीपिका पादुकोण का नाम उछला। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड और ड्रग्स, इन दोनों का काफी गहरा नाता रहा है, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज को हम आइडियलाइज करते हैं उनका नाम जब ड्रग्स के साथ लिंक होता है तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। मुझे याद है कई साल पहले जब एलईडीवी इमेजिन के किसी टॉक शो पर मुझे बुलाया गया था एक सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस के लिए। मैं वहां गई, वहां पर फरहान अख्तर थे, उन्हीं का टॉक शो था बाय द वे, एंड दीपिका पादुकोण भी थी। मैंने एक डायमंड स्टडेड बूस्टियर एंड गोल्डन कलर्ड शॉर्ट्स में एक बहुत ही रक्षिक डांस परफॉर्मेंस दी, एंड परफॉर्मेंस देते वक्त मैंने नोटिस किया कि दीपिका पादुकोण मुझको डर्टी लुक्स दे रही थी, इस कदर कि मैं शर्मिंदा महसूस करने लगी। तो परफॉर्मेंस के बाद जब मैंने स्टेज को एग्जिट किया और अपने वैनिटी रूम में गई, मैं सोचती रही कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्यों मुझको डर्टी लुक्स मिले थे दीपिका पादुकोण से। मुझे ऐसा लगा शायद एक आदर्श भारतीय नारी अंग प्रदर्शन नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। उस इवेंट के कुछ महीने बाद मैंने देखा टेलीविजन पर और यूट्यूब पर दीपिका को अंग प्रदर्शन करते हुए, अपने जलवे दिखाते हुए हॉट सॉन्ग्स में। तब मुझे लगा ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई, वो करें तो चमत्कार और हम करें तो खैर छोड़िए। कमिंग बैक टू द ड्रग कार्टेल सब्जेक्ट, दीपिका पादुकोण ने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस। उनका ये कोट था, मैं वर्बेटम कोट कर रही हूं, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जिस डिप्रेशन की बात कर रही हैं वो ड्रग अब्यूज रिलेटेड है? देखिए, ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि 90% डिप्रेशन केसेस का ताल्लुक होता है ड्रग अब्यूज के साथ। नॉट एवरी डिप्रेशन केस, 90%, ये मेरा पर्सनल रिसर्च नहीं कहता है, ग्लोबल रिसर्च कहता है। तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए या अपडेट करना चाहिए। नया स्लोगन होना चाहिए रिपीट आफ्टर मी, नार्कोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिपीट आफ्टर मी, नार्को टेररिज्म इज इलीगल। रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज इज अनसेफ एस्पेशली फॉर द यूथ ऑफ द नेशन। रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन इन मोस्ट केसेस। रिपीट आफ्टर मी, आई विल नॉट एंगेज इन ड्रग अब्यूज। रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज नॉट एन इलनेस। तो ये सारे स्लोगन्स उनको सबसे पहले समझनी चाहिए, उसके बाद इन स्लोगन्स का प्रचार करना चाहिए। एंड जो चिढ़ उनको मची थी मेरा हॉट कॉस्ट्यूम देखकर, मेरा अंग प्रदर्शन देखकर, अगर वही चिड़ उनको मची होती ड्रग्स
को लेकर या यू नो ड्रग इंडल्जेंस को लेकर, तो यकीनन वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है. सो इट्स टाइम गाइज, वी वेक अप, स्मेल द कॉफी एंड स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन वॉट इज रियल एंड वॉट इज परसीव्ड रियालिटी. एक होती है रियालिटी और एक होती है परसीव्ड रियालिटी. सो हम किन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या वो लायक हैं कि हम उन्हें आइडियलाइज करें, ये सारे सवाल प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए. एंड जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी, रिपीट आफ्टर मी, नार्कोटिक्स इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी. रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन. जय हिंद.